अमृतसर के हलका राजासांसी में देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब दो गुट आपस में भिड़ गए। वहीं एक गुट की ओर से जमीन के कब्जे को लेकर दूसरे गुट पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में करीब 4 लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के बयान भी दर्ज कर रही है और जो बनती कार्रवाई है उसका भरोसा दे रही है। अमृतसर से जाट टीवी न्यूज के लिए धर्मवीर गिल की रिपोर्ट। ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਦੀ ਟੰਕਰ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸੋਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਜੀ ਦੀਪੂ ਕੋਲ ਸਮਲਾਇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਆਇਆ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਆ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਂਦੇ ਵੀ ਥਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦਾਦਾ ਫੜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 10 12 ਬੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਜੀ ਸਵਾ ਕਿੱਲਾ ਵਾ हाँ जी वो भी भाई बंदे है जी लुके लुके इतने बैठे बूठे ही उन्होंने हम पंजा चाहता तो जाने तो बाकी तो जो लुके छुपे दूर से दोनों का तो तुम दसता एक गेजा जो साधा सिंह का मुंडा एक बचित्र सिंह जो पिंड बलगन तो जी सबका पंच होया जी छेक नाल थां ही अपना वाया जी एक लागे तो थां 12 मरले का जितों झगड़ा चलता है जी जिहड़ा कि कागजी पत्री उन्होंने कोल कुछ बहुत ही तुहानूं बयान नहीं कर सकते भी जो कुछ बोले भी तुहानूं छड्डना नहीं आ साडी सारी दलितां दी आबादी जिथे आण के उन्होंने रफलां नाल ते पिस्टलां दे नाल आण के हमला किया। जगदीप सिंह दे होर उन्होंने कहा जगदीप सिंह सानूं बलकार सिंह तरसेम सिंह सानूं पटेल सिंह हाँ जी वो पुलिस मुलाजम ही है जगदीप सिंह जिहड़ा ललकारे इन्हें मारे है जी बड़ा बहुत सिपाही है जी सिपाही है वो इत अमृतसर ही लगा कि दफ्तर दफ्तर ही कहे जी हाँ जी पंजाब पुलिस वो जी 20-25 जने होने 10 के जने अं जानते हैं साढ़े 4 बंदे फट रहे जी इस मौके पर वी आर लॉजिंग FIR अंडर रेलिवेंट सेक्शन वी आर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट उसके बाद रिकॉर्ड करके फिर तुम दस देंगे। हाँ जी मौके के उपर असी गए हैं जी तो मौके के उपर जो भी एविडेंस है उन्होंने कलैक्ट किया है तो बाकी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है दैट विल बी डन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हाँ दैट्स कोर्स वी विल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट तो उसके बाद ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी एलिगेशन है दे विल बी इन्वेस्टिगेटेड इन प्रोफेशनल एंड इम्पार्शियल मैनर।